हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। घड़ी में बज रहे हैं 6:15 और मेरे घर में जो है सुबह सुबह टीवी चल रहा है, बिकॉज नेहल जो है 3:30 बजे से उठी हुई है और हम दोनों ही उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जो है हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो मैंने उनको बोला कि आप सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं दिन में तो किसी ना किसी तरह से रेस्ट कर लूँगी, आप जो है आप सो जाओ, मैं इसको देख लेती हूँ। तो 3:30-4 बजे से मैं भी जगी हुई हूँ और सोई नहीं हूँ, और 6:15 बज रहे थे तो मैंने कहा ना आप लोग को दिखाती हूँ कि घड़ी में ये टाइम हो करके भी नेहल जो है उठी हुई है और कार्टून देख रही है। तो मैं जो है फटाफट से मैंने फ्रेश व्रेश होकर के जो है ब्रश वगैरह करके रसोई में आ गई, क्योंकि सुबह सुबह तो रसोई के अलावा और कहीं जाने का मौका तो नहीं मिलता है। तो रसोई में आते ही सबसे पहले मैंने उनके लंच के लिए जो है प्रिपरेशन करने लग गई, और जो है मैंने चाय वगैरह पी लिया था। तो अब जो है चाय मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है तो उनको भी ब्रेकफास्ट कराना है। तो एक तरफ मैंने ब्रेड सेकने के लिए डाल दिया, उनको पीनट बटर अच्छा लगता है बट मुझे पीनट बटर उतना कुछ खास नहीं लगता है, बट फिर भी प्रोटीन का सोर्स होता है तो खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उनके लंच के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू भिंडी की सब्जी और रोटी। तो आज ना मेरे घर पे 3-4 दिन तक जो है मेरे यहाँ पे जो काम करने के लिए आंटी आती हैं वो नहीं आने वाली हैं, और सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना है। घर के सुबह से लेकर जो काम स्टार्ट होता है वो रात के जो काम होता है वहाँ तक मुझे पूरा का पूरा अकेले ही मैनेज करना है। साथ के साथ मुझे अकेले नेहल को भी संभालना है, उसके टेंट्रम्स झेलने हैं, उसको कभी रोएगी, कभी गुस्सा करेगी, कभी खेलने का मूड होगा, वो सब मुझे अकेले संभालना है। फिलहाल आंटी आती थी तो कम से कम मुझे घर के कुछ काम के हिस्सों में मतलब मैं टेंशन फ्री रहती थी, तो मैं उस हिस्से में नेहल को देख पाती थी। तो अभी मेरे को फिलहाल सारा काम खुद ही करना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से सब्जी वगैरह बना रही हूँ। और जो है नेहल अभी तक सो गई है दोबारा, उसके पापा ने सुला दिया था 7 बजे, तो मैंने सोचा कि जब तक वो उठेगी तब तक मैं घर का सारा काम कर लूं, और उसके उठने से पहले, क्योंकि अगर वो उठ जाएगी ना तो फिर मैं घर का काम कोई कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती हैं तो वो आएंगी तभी मैं घर का काम कर सकती हूँ, नहीं, मैं घर का काम कर सकती हूँ, और बल्कि मुझे तो लगता है उनसे ज़्यादा मैं साफ सुथरा का काम करती हूँ। बट छोटा बच्चा है और मुझे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है, और मुझे ना एक और प्रॉब्लम है, सैटरडे संडे ना अगर मैंने खुद से काम करने लग गई तो मेरे को 3 बज जाते हैं काम खत्म करते करते, क्योंकि मुझे लगता है सैटरडे संडे को मेरे को और भी ज़्यादा मैं साफ सफाई करने लगती हूँ। तो मैं मतलब सैटरडे संडे को पूरा दिन काम में नहीं लगना चाहती हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं आंटी को रखती हूँ कि मेरा वो टाइम सेफ हो और उसके बदले में और कुछ काम कर सकूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ, या मेरे को वीडियोज़ बनाने को टाइम मिलेगा, कहीं अगर मुझे जाना है तो मुझे उसके लिए मुझे टाइम मैनेज कर पाती हूँ, या मुझे सैटरडे संडे को ये लगा रहता है कि आंटी आएंगी तो उसके उनके उनसे आने से पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, तो जिससे मेरा काम टाइम पर हो जाता है। अगर मैं अपने ऊपर आ गई तो फिर मैं काम सारा कर लेती हूँ बट मैं टाइम का जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाती, कभी कभी लेट भी जाती हूँ, वो भी स्पेशली सैटरडे संडे। वैसे तो वीकडेज में मैं बिल्कुल भी टाइम जो है टाइमली काम कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जा चुके हैं और मैंने अपना 1 घंटा जो है पूरा का पूरा वेस्ट कर लिया, और उस बीच में नेहल उठ गई, वेस्ट भी नहीं किया एक्चुअली, मैं मेरे पास कोलैबोरेशन के कुछ सामान आए थे वो मैं ले रही थी, और बाकी मुझे कुछ 2-3 कोलैबोरेशंस और करने थे, और जो है मुझे वीडियो पोस्ट करना था इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे वो सब मैं करने में मुझे 1 घंटा लग गया। फिर मैंने आई तो जब तक मैं रसोई साफ करती, बर्तन धो रही थी, तब तक नेहल उठ गई। फिलहाल इंस्टाग्राम से याद आया, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, बहुत प्यारी प्यारी रील्स वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी दैट। तो यहाँ पर मैंने रसोई में सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं, कुछ टाइम से मैंने अपनी जो है ना अपनी हेल्थ को लेकर के और अपनी फिटनेस को लेकर के मैंने बहुत अंडरस्टिमेट कर लिया अपने आप को, मुझे फिर से अपने बैक टू जो है फिटनेस पे आना है, और मेरी हेल्थ ना बहुत ज़्यादा अभी तो फिलहाल नेहल कुछ टाइम से वो 3:30 बजे ही उठ रही है, क्योंकि मैंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग से हटा दिया है और वो अब सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाती है, क्योंकि उसको भूख लगती है, उसके बाद वो सीधा आसानी से नहीं सोती है, तो इसलिए जो है मुझे नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैं इसलिए जा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी तब तक मेरी फिटनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए नींद भी बहुत ज़रूरी है।
तो अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इस सब चीज़ों को मैनेज करने में, क्योंकि छोटे बच्चे के अकॉर्डिंगली ही एक माँ अपना टाइम टेबल सेट करती है। निहल उठती है तो फिर मुझे उसके साथ उठना पड़ता है, कहीं अगर उसने मैं सोती रह गई और उसने कुछ मुंह में ले लिया तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सारा घर का काम कर रही हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ, निहल को नहला दिया मैंने, पीछे मैं निहल को भी देख रही हूँ कि वो उठ गई है, तो उसने जो है पॉटी किया था तो वो साफ़ किया, फिर मैंने उसको नहला दिया कि मैं निहल से जो है थोड़े काम में मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। फिर उसको मैंने जो है ना नहला धुला के कंघी करके मैंने बिठा दिया टीवी देखने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे फ्रिज मेरा ना थोड़ा गंदा हो गया था, मैं ना फ्रिज एवरी वीक पे मैं एक से दो बार मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज वगैरह भी साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग दूध रखते हैं, सब्ज़ी रखते हैं, तो वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी संडे को कपड़े धुले थे तो वो कपड़े मेरे को तह लगाने थे, और मैंने ना इस ये वाली साड़ी ना अपने बेड से निकाली थी, रेड वाली साड़ी, रील्स के बनाने के लिए। अब मैं फ़िलहाल मैंने बना लिया है तो अब मैं इसको दोबारा से बेड में डाल दूँ। तो मैंने ना सारे कपड़े तय लगा करके कबड में लगा दिया, और निहल को फिर मैं यहाँ पे दूध रोटी खिलाने के लिए आ गई थी। तो क्योंकि वो उठते ही ना दूध रोटी नहीं खाती है, तो इसके जो है ना अल्टरनेट में या तो मैं उसको केला वगैरह खिलाती हूँ या कुछ ऐसा खिलाती हूँ जिससे उसका उठते ही उसका पेट भरा रहे। तो वैसे भी तो 3:30 बजे उठती तो उसको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता ही है, पानी वगैरह पिलाना पड़ता है, उसी बीच में उसकी नींद खुल जाती है। आजकल वो बहुत कम नींद ले रही है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं कि वो थोड़ी मतलब ना मुझे उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना वो मतलब उसकी बॉडी पे ना मतलब मास नहीं चढ़ रहा है, या थोड़ी सी वीकनेस मतलब वीक सी लगती है। बाकी उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है चलाने से लेकर के खेलने तक, बाकी तो फिलहाल ठीक ही है। तो यहाँ पे मैंने सारा घर का काम कर लिया है, मैंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया था क्योंकि मुझे चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे से उठी हुई हूँ और मैं अभी तक नहा नहीं पाई। तो फिर मैंने कहा मैं पहले रोटी और सब्ज़ी खा लेती हूँ और इसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। घर वगैरह ना हम किस तरह से साफ़ रख सकते हैं वो हमारी मतलब हम देखते हैं, बाकी कोई और अगर काम करने के लिए आएगा ना तो वो इतने इस हिसाब से काम नहीं करता है। वो एक दिन कर देगा, दो दिन कर देगा, तीन दिन कर देगा, फिर भी मेरी जो काम करने के लिए आंटी आती है वो बहुत हद तक घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती है मेरी, और मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है वो अगर आती हैं तो। तो यहाँ पे मैं सारा घर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दे रही हूँ, और फिर साफ़ किया तो उस पर जितने भी मेरे को वेस्ट ऑफ मटेरियल लगा जो मतलब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ या बहुत टाइम हो गया उसको रखे हुए फ्रिज में नहीं खा रहे हम लोग, तो उसको मैंने हटाया, तो उसको वो सब कूड़ा बहुत हो गया था, तो फिर मैंने वो सब हटा करके मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया। इसके मतलब पोछा लगाने वाली हूँ। तो ये मेरा काम, मैं मतलब 3:30 बजे से लगी हुई थी और मैं 12:30 बज गए थे मुझे ये सारा काम ख़त्म करते करते। बीच में मुझे यूट्यूब भी देखना होता है, इंस्टाग्राम भी देखना होता है, और मतलब मुझे नेहल को भी देखना होता है, घर का काम भी देखने होते हैं, और अभी फ़िलहाल मैं 3-4 दिन खुद ही काम करूँगी। तो ये मतलब 12:30 बजे से एक टाइम ऊपर ना हो, बस ये मैं सोच रही हूँ। मतलब कोशिश करूँगी कि मैं 9 बजे तक कर लूँ, वैसे तो मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 9 बजे तक काम ख़त्म कर लूँ, बट स्टार्टिंग था काफ़ी टाइम बाद में घर का काम कर रही थी तो इसलिए मुझे 12:30 बज गए थे घर को सारा एक साथ मुझे समेटने में। और फिर मंडे था तो अच्छे से साफ़ सफ़ाई करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए 12:30 बज गए थे। वैसे तो मैं ऑल हर टाइम मैं जो है 9 बजे तक काम ख़त्म कर लेती हूँ, 9 से 10 बजे तक अगर मेरे ऊपर बात आती है तो। आज तो वैसे बहुत सारे कपड़े भी थे और वो सब भी मुझे तय लगाने थे, तो ये सारा काम मेरे पेंडिंग पड़े थे। बीच में ना वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते भी ना नेहल मुझे इतना तंग करती है, मैं जैसे अभी आवाज़ दे रही हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत तंग करेगी। अभी मैंने प्रेस से कपड़े दिए थे वो आए थे, तो मुझे फिर बीच में रिकॉर्डिंग रोक करके फिर मुझे जाना पड़ा था। मैं एक्चुअली ये वाली वीडियो ना मैं मतलब थोड़ा जल्दी ही अपलोड करना चाहती थी, बट मैं सुबह से बहुत जल्दी जग गई थी, तो इसलिए मैं बीच में मैंने नींद ले ली कि मैं कहीं सो ना पाऊँ और नेहल जग गई तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नींद ले ली थी। तो यहाँ पर ना मैंने काम वगैरह ख़त्म करके मैं फटाफट से नहाने चली गई, और इसके बाद मैं सो गई थी नेहल को लेकर के, क्योंकि मुझे भी नींद बहुत तेज़ आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं लगाया। इस बीच में नेहल ने मुझे इतना तंग किया है, ड्रॉअर वगैरह ओपन किया, उसमें से सारा सामान निकाला। अभी अब उसको नींद आ रही है तो वो अब मेरे को कह रही है कि अब वो मेरे साथ खेल रही है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप सो आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।